आज के समय सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज आपको पढ़ाऊंगा और ये सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 6 है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 से पार्ट 5 आपको पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टाइप टाइप करके पढ़ा रहा हूँ। तो जो लोग भी रेलवे ALP NTPC ग्रुप डी या RPF की तैयारी करना चाह रहे हैं या इनके साथ साथ अगर किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक सीक्वेंस से मैं आपको टाइप टाइप करके पढ़ा रहा हूँ। ऐसा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कंटेंट और ऐसा जो मेथड मेरा है, ऐसा पैड कोर्स में भी लेकर पढ़ेंगे तो भी आपको पढ़ाया नहीं जाएगा इस तरह से। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने शुरू से नहीं देखा है क्लास, पार्ट 1 से पार्ट 5 तक नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप उन पार्ट को देख लीजिएगा। उन पार्ट को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। या ये कह सकते हैं कि जो पार्ट 1 से पार्ट 5 तक जितने भी टाइप के मैंने क्वेश्चन करा दिया है, उनके अलावा जो कुछ थोड़े थोड़े अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हैं, उनको मैं आपको इसमें मिक्स करके सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4800 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से n वर्ष का साधारण ब्याज 2120 रुपये है। तो n का मान आपसे पूछा है कि टाइम आपसे पूछे, n यहाँ पे क्या शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को फार्मूले से भी कर सकते हैं और बिना फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बिना फार्मूले से बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे आप बिना फार्मूले से करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो मूलधन है ये कितना है, 4800 रुपये है। अब इस पर 15% के हिसाब से कुछ समय में जो 2160 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो वही टाइम आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ से, अगर आप ये जो मूलधन है इसका अगर आप 15% निकालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना बनेगा। इसका 15% निकालिए तो इसके परसेंटेज से ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 15 का आपको 48 में गुणा करेंगे तो एक वर्ष का ब्याज पता चल जाएगा। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इसका इसमें आपको गुणा करना है, तो 15 बटे कितना होता है, 120 हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो 15 चौके 60 और 12 कितना हो जाएगा, ये 72। एक वर्ष का ब्याज कितना बना, ये 720 रुपये। एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 720 रुपये। तो मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर एक वर्ष में ब्याज इतना बढ़ रहा है तो 2160 रुपये ब्याज बनने में कितना टाइम लगा होगा, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको टाइम पता चल जाएगा, यानी n का मान आपको पता चल जाएगा। तो n का मान आपको पता चल जाएगा, इससे इसको डिवाइड करना है। ये 2000 कितना, ये 2160 है और 720 से आपको डिवाइड करना है। तो 0 से 0 कट गया। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो आपको देखिए n का मान पता चल गया, या कह सकते हैं कि टाइम कितना है, 3 वर्ष है। n का मान आपको पता चल गया, 3 वर्ष। तो ये देखिए डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा रहा हूँ, जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 6 वर्ष में तथा 8% की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याजों का अनुपात आपसे पूछा गया। देखिए जो मूलधन है ये क्या, ये मूलधन क्या है, दोनों का बराबर, यानी एक निश्चित राशि है, उस राशि पर एक बार क्या कहा गया, 5% के हिसाब से 6 वर्ष का ब्याज। फिर क्या कहा गया, उसी राशि पर 8% के हिसाब से 3 वर्षों का जो ब्याज, उनके बीच में आपसे क्या पूछा, रेशियो पूछा। अब देखिए राशि तो फिक्स होगी, अगर आप चाहे इसको x मान लीजिए, नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस राशि पर अगर 5% के हिसाब से 6 वर्षों का टोटल ब्याज कितना बनेगा, 5×6 का 30% ब्याज बनेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कितना, 30% आप लिखेंगे। आप चाहे x का 30% लिखिए या ना लिखिए, अभी मैं बता रहा हूँ, लिखने की जरूरत भी नहीं है। फिर अगर आप देखेंगे इसी राशि पर 8% के हिसाब से 3 वर्षों में, तो 8 त्रिका कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा,
एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने पार्ट वन से नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप पार्ट वन को, बेसिक चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है, तो सबसे पहले आप पार्ट वन एक बार आप जरूर से देख लीजिए, उसके बाद आप कोई भी पार्ट देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। पार्ट वन आपको जरूरी है। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24% ब्याज बनेगा, 8 × 3 = 24। राशि तो सेम है, अगर मैं यहाँ पे भी एक्स लिखूंगा और यहाँ पे भी एक्स लिखूंगा, इसी राशि पे तो ब्याज बन रहा है, अब इनके बीच में रेशो लगाऊं तो ये एक्स एक्स से कट जाएगा, इसलिए मैं इसको लिखना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं एक्स नहीं लिख रहा था। डायरेक्ट इन दोनों का गुणा करके लिखेंगे और डायरेक्ट इन दोनों का गुणा करके लिखेंगे, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। अब देखिए कितने से कटेगा, 6 से, 6×5 = 30 हो गया और 6×4 = 24। आप बता सकते हैं कि जो ब्याजों का अनुपात होगा 5:4 होगा, तो डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे तो NTPC में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 4 वर्ष के लिए समान दर पर रेट क्या है, समान है, पर निवेश की गई समान राशि मूलधन भी क्या है, समान है, से प्राप्त साधारण ब्याजों का अनुपात। तो रेट और यहाँ पे जो मूलधन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों में समान, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और हमसे पूछा कि ब्याजों का अनुपात पूछा है ना, तो जैसे अगर आप लिखेंगे, जैसे अगर आप ऊपर वाले में देखेंगे, रेट रेट लिखते थे, नहीं लिखते थे, तो रेट से रेट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो समय दिए गए इनके बीच में रेशो निकाल लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, ब्याज का रेशो पता चल जाएगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे 6 रेशो कितना, ये 10। अगर आप इनको काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा और ये कितनी, 5 बार में। आप बता सकते हैं कि उनके ब्याजों का अनुपात कितना होगा, 3:5 होगा, तो सी ऑप्शन इसका मैच करेगा। और ये प्रश्न देखेंगे तो RRBJEE 2019 में प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित राशि आपको कितना देगी, एक्स रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 6 वर्ष के लिए निवेशित राशि वाई रुपए पर है। तो एक्स और वाई के बीच में आपसे क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले की बात करेंगे तो मूलधन दिया गया, रेट दी गई और टाइम दिया गया, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, देखिए आपको क्या क्या पता है, मूलधन पता है, रेट पता है और टाइम पता है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ब्याज आप पता कर सकते हैं। दूसरे वाले में भी क्या पता है, मूलधन पता है, टाइम पता है, रेट पता है, तो यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो प्रश्न में ये कहा गया है, प्रश्न में ये कहा गया कि उतना ही, यानी ब्याज उतना ही बनता है, यानी दोनों के ब्याज क्या है, समान है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिखूं, SI बराबर क्या होता है, PRT/100, ये तो फार्मूला होता है। अब कि यहाँ पे SI PRT/100, अगर मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट, यानी ये जो सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले का है और दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये बराबर है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे, इनको क्या करिए, बराबर करिए। इसको चाहे आप 1:1 से इंडिकेट कर सकते हैं और इसको चाहे आप 2:2 से इंडिकेट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं, ये पहले वाले के लिए हो जाएगा और ये 2:2 मतलब दूसरे वाले के लिए हो जाएगा। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए मूलधन पता है ये कितना है, एक्स रुपये है। अब इस पर मूलधन अलग अलग है तो आपको लिखने की जरूरत होगी। अब यहाँ पे टाइम कितना दिया गया, 5 वर्ष दिया गया और रेट कितना दिया गया, 8% ये दिया गया। यहां तक समझ में आया, अब बराबर करेंगे, अब कि बटा 100 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 100 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब बराबर करके क्या करेंगे आप, यहाँ से कितना रुपया, ये वाई रुपया, 6 वर्ष के लिए और रेट कितना दी गई है, 7.5%, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा दोनों साइड, परसेंटेज से परसेंटेज मैंने काट दिया। अब कि इसको यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 1.5 बार में कटेगा, कटेगी नहीं कटेगा। अगर मैं इसका यहाँ से गुणा कर लूंगा तो 15×6 कितना हो जाएगा, ये 90, एक अंक पे दशमलव है तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आपको करना कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है, तो एक्स को यहीं पे रहने दे रहे हैं और वाई को इधर लाएंगे तो बटा क्या हो जाएगा, वाई।
अब 9 यहाँ पे है और ये 8 बचा हुआ है, तो 8 जाके इधर क्या हो जाएगा बटे में, तो ये मिलेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9 रेशो कितना लिख सकते हैं आप, 8 लिख सकते हैं। ये मैं आपको रेशो चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, रेशो चैप्टर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर के पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दिए। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको हाई लेवल तक पढ़ाया है और मैंने आपको क्लास नोट्स का पीडीएफ फाइल भी अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12% और 15% की दर से क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए धनराशियों का निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है तो निवेशित धनराशियों का क्रमशः अनुपात आपसे पूछा गया, यानी मूलधन का रेशियो आपसे पूछा गया। तो जो जो पीछे मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखेंगे तो ब्याज क्या है, ये अलग अलग योजनाओं से जो ब्याज मिल रहा है, ब्याज क्या है, सभी के समान है। तो पीछे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि SI बराबर आप क्या लिखेंगे, PRT/100, ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो इस तरह से ये पहला पहला हो जाएगा और ये आगे भी इस तरह से लिखेंगे SI 2 बराबर, इस तरह से आप लिखेंगे, तीनों के लिए आप इस तरह से लिखेंगे। तो जो सिंपल इंटरेस्ट तीनों का क्या है, बराबर। अगर सिंपल इंटरेस्ट तीनों के बराबर है तो ये तीनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तीनों मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये तीनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। 100 आपको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सभी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऊपर सिर्फ आपका क्या बचेगा, मूलधन रेट और टाइम का आपको मल्टीपल करना है, और आपको करना कि निवेशित धनराशियों का अनुपात आपको निकालना है। अगर हम लोग मान लें कि ये जो मूलधन है ये कितना, पहला मान लीजिए कितना, P1 मान लीजिए, पहला मूलधन P1 मान लिया जाए, रेट आपको दी गई और टाइम भी दिया गया कितने समय के लिए ये इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप यहां से लिखेंगे 6 गुणे रेट कितना दी गई, 10%। यहां तक समझ में आया, बराबर। अगर सभी के साधारण ब्याज बराबर है, प्रश्न में ये तो कहा गया समान ब्याज प्राप्त होता, समान ब्याज प्राप्त है, अगर ब्याज प्राप्त समान है यानी ब्याज क्या है, समान है, तो ये सब भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब दूसरे वाले के लिए लिखते हैं, तो मूलधन इसका मान लीजिए कितना, P2 मान लीजिए, टाइम कितना दिया गया, 10 वर्ष दिया गया, और रेट कितना दी गई है, 12%, तो 12% आप लिखेंगे। अब तीसरे वाले के लिए लिखना, तो इसका मूलधन कितना मान लिया, P3 मान लिया जाए, P3 मान लिया जाए। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से टाइम कितना दिया गया, 12 वर्ष दिया गया, और रेट यानी रेट कितना दी गई, 15%। अब यहां से आपको P1 P2 के बीच में आपको रेशियो आपको निकालना है। अब कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये भी तो परसेंटेज में है, प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। यहां तक समझ में आया, अब देखिए अगर 6 से मैं काटू तो 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, 6 दुना कितना हो जाएगा, ये 12, और ये 6 दुना कितना हो गया, 12। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 15 दुना 30, मिलेगा नहीं मिलेगा, देखिए 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसके अंदर भी है, तो यानी ये क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये 0 कट गया, तो बचा कितना, 3। अब यहाँ से देखेंगे तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ से P1 बच गया और बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 P2, यानी ये P2 मान लें, या इसको आप XYZ भी मान सकते, कोई फर्क नहीं, XYZ भी आप मान सकते, बराबर ये कितना हो जाएगा, 3P3। ठीक है, अगर आप XYZ लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से भी मान के कर सकते हैं। अब कि इसको सॉल्व करना है, अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको रेशियो चैप्टर में पूरा डिटेल में भी बताया था और ट्रिक से बताया था कि आप कैसे एक लाइन में सॉल्व करेंगे। जिन्हें डिटेल में सीखना है तो रेशियो चैप्टर एक बार आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। अब कि यहां से आपको P1 P2 का मान आपको निकालना है ना, तो यहाँ पे कितना है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं तो इसका हम लोग मानेंगे कितना, ये 1 मान लेंगे, कितना ये मानेंगे, 1 मान लेंगे। अब देखिए मुझे इसके स्थान पे लिखना है ना, इसके स्थान पे लिखना है, तो इसको छोड़ करके इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में मल्टीपल करके लिखेंगे, तो 3 दुना कितना हो गया, 6, यानी सिर्फ आपको अंक वाला लेना है, तो 3 दुना कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसके स्थान पे लिखना है तो ये जो इसका 2 है इसको छोड़ करके बाकी इन दोनों का गुणा करेंगे, जब इन दोनों का गुणा करेंगे जिसके स्थान पे लिखना होगा उसको आपको छोड़ देना होगा, इसको आपको छोड़ देना है,
बाकी इन दोनों का गुणा करके लिखेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए मुझे इसके स्थान पे लिखना है ना, तो इसको छोड़ करके बाकी इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। क्या ये किसी एक संख्या से कटेंगे क्या, आप कहेंगे कि नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे तो आप इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया निवेशित जो निवेशित धन राशियों का रेशियो कितना आ गया, 6:3:2 आ गया, ये इसका आंसर। और ये प्रश्न देखेंगे तो NTPC में पूछा गया 2021 में, प्रश्न काफी लंबा है लेकिन इसका सलूशन क्या बहुत ही छोटा है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक निश्चित धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में ये इतना हो जाती है, अगर ये इतना हो जाती है तो ये क्या दिया आपको, मिश्र धन दिया गया, यानी इसमें मूलधन शामिल है और ब्याज शामिल है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर कितना हो जाए, X+4, यानी पहले जो रेट थी अब उससे रेट कितना बढ़ा दिया, 4% बढ़ा दिया, होती तो 7 वर्ष बाद देय धनराशि कितना हो जाती है, इतना। तो निवेशित की गई धनराशि आपसे पूछा गया, मूलधन आपसे पूछा गया। सबसे पहले ये देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पहले जो भी रेट रहा होगा अब इसमें 7 वर्षों के हिसाब से ये इतना रुपया ब्याज यानी मिश्रधन आपको मिल रहा है, इतना हो जा रहा है, यानी ये मिश्रधन आपको दिया गया। अगर इस रेट से क्या कर दिया, इस रेट से 4% रेट बढ़ा दिया और टाइम क्या, उतना ही टाइम है, 7 वर्ष पहले भी था अब भी है, बट बढ़ क्या रहा है, ये रेट बढ़ा, 4% बढ़ा रहा है, 1 साल में 4% बढ़ाएगा, अगले साल भी 4%, अगले साल भी 4%, इस तरह से 7 वर्षों में टोटल कितना बढ़ जाएगा, 7 × 28% कितना बढ़ जाएगा, ये 28% बढ़ेगा। 28% बराबर ही देखा जाए रुपये में कितने की वृद्धि हो रही है, आप इसको यहाँ से घटाएंगे, अगर आप यहाँ से घटाएंगे, इसको आप यहाँ से घटाएंगे, मैं लिख के यहाँ पे घटा दे रहा हूँ, ये कितना दिया गया, 22,494 है और ये कितना है, 25,917। अब इसको यहाँ से करना कि आपको घटाना है, जब आप इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4, 3 इतना आपको मिलेगा, 423 आपको मिलेगा, इतने क्या हो रहा है, रुपये में वृद्धि हो रही है, लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो 28% की वृद्धि होगी, परसेंटेज में कितने की वृद्धि होगी, 28% की वृद्धि होगी, और रुपये में कितना बढ़ जा रहा, इतना। तो कह सकते हैं कि 28% का मान दिया गया है, अगर मैं इसमें क्या करूँ, 28 से भाग दूँ और 100 का मल्टीपल कर दूँ तो मुझे क्या पता चल जाएगा, वो धनराशि पता चले, मूलधन आपको पता चल जाएगा। देखिए कितने से कट रहा है, 7 से काटेंगे, 4 बार में कटेगा, 7 से काटेंगे, 7 × 28 और 6 इधर गया, 7 बटे कितना हो गया, 56 और 7 × 63 4 से तो कटेगा नहीं, लेकिन ये 4 से कटेगा, कितनी बार में कटेगा, ये 25 बार में, 25 का आपको इसमें मल्टीपल करना है, तो 25 × 9 कितना होता है, 225। हासिल कितना बचा मेरे पास, हासिल कितना बचा है, तो आप बताएंगे कि 22 हासिल बचा हुआ, 25 × 200 होता है और ये 222 हो जाएगा, 222 हासिल कितना बचा है, 22 बचा है, इसमें गुणा करेंगे, 25 × 100 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि वो राशि कितनी है, मूलधन कितना है, 12,225 रुपये मूलधन था। तो देखिए सी ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे तो NTPC में पूछा गया 2022 में, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी क्वेश्चन आपका आसान है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि पर 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज 1700 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक साधारण 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाली राशि के समान, वो राशि आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, लगने वाला साधारण ब्याज क्या है, ये इतने रुपये की राशि के समान, यानी दोनों में साधारण ब्याज क्या है, ये समान है। तो देखिए सबसे पहले आप यहां से फार्मूला अगर आप देखेंगे तो SI बराबर क्या होता है, ये PRT/100 होता है कि नहीं होता है? अगर ये दोनों में बराबर है तो ये दोनों वाला हिस्सा क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर, तो हम लोग बराबर करते हैं। पहला वाला मूलधन राशि कितना मान लीजिए, एक्स, कोई धनराशि है तो इसको कितना मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, एक्स।
अब रेट कितना दी गई है पहले वाले में 7% दी। यहाँ पे मैं 1-1 इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि पीछे मैं बता चुका हूँ इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो रेट कितना दी गई, 7% दिया गया, ये 7%। और टाइम कितना दिया गया, 2 वर्ष दिया गया, बराबर। बटा 100 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मूलधन दिया गया, इस पर राशि दे दी गई है सेकंड वाले में, 1750 रुपये की राशि पर 5% के हिसाब से 4 वर्ष में लगने वाली राशि के बराबर है। तो यहाँ से बटा 100 करेंगे, यही मैं 100 नहीं लिख रहा था। क्यों नहीं लिख रहा था, क्योंकि ये कट जाएगा तो मुझे पता, इसलिए मैं इसको लिखना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया, आगे से हम लोग लिखेंगे नहीं। अब इसका आपको कैलकुलेशन करना है। अगर मैं देखिए यहाँ से परसेंटेज से, तो परसेंटेज कट जाएगा, 7 से काटूंगा तो 7 × 14 हो गया, और 7×5 = 35। अब देखिए कितने से कटेगा, इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। इसका मल्टीपल करेंगे 10 हो गया, 10 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 रुपये होगा। यानी आप पहले वाले के लिए जो राशि है वो बता सकते हैं कि कितनी है, 2500 रुपये। पहले वाले के लिए ये राशि कितनी दी गई, 2500 रुपये है। तो बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी जे में पूछा गया 2019 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 2000 रुपये की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 2360 रुपये हो जाती है, तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, आपसे ये पूछा गया। देखिए प्रश्न में क्या क्या जानकारी है, प्रश्न में पहले ये कहा गया कि 2000 रुपये की धन राशि पर एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, किसी रेट से ये धन 3 वर्षों में इतना हो जाता है, ये क्या दिया आपको, मिश्रधन दिया गया है। तो समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो रेट पहले वाले में है, वो उसी ब्याज की दर पर समान राशि पर, यानी इस मूलधन पर 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, आपसे ये पूछ रहे। यानी पहले वाले के लिए जो रेट है वही रेट लेना, पहले वाले के जो मूलधन है वही आपको लेना समान राशि, तो 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया। देखिए सबसे पहले आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था शुरू में, पार्ट वन में मैंने आपको ये बताया था कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कॉन्स्टेंट होता है। जिन लोगों ने ये पॉइंट नहीं लिखा है तो अपनी कॉपी में नोट बना के लिखिएगा, साधारण वर्ष में यानी साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर बीच में रेट चेंज न की जाए तो साधारण ब्याज का क्या होता है, ये ब्याज कांस्टेंट होता है। ये मूलधन इतना हो जाए, इसको यहां से घटाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक वर्ष का ब्याज कितना है, इसको यहां से आप घटाएंगे तो एक वर्ष का ब्याज कितना आ गया, ये 3 वर्ष का ब्याज आ गया। जब इसको यहां से घटाएंगे तो 3 वर्ष का ब्याज कितना गया, 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, इतना। अगर मैं इसमें क्या करूंगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, ये 1 वर्ष का ब्याज पता चलेगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 120 रुपये आ गया। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 120 रुपये आ गया। तो मुझे चाहिए कितना, 5 वर्ष में ब्याज चाहिए, तो 5 वर्ष का ब्याज प्राप्त करने के लिए इसमें क्या करना होगा, आपको 5 का मल्टीपल करना होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं 5 ईयर का SI सिंपल इंटरेस्ट, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 12×5 कितना हो जाएगा, ये 60 कितना हो जाएगा, ये 600 रुपये ब्याज बनेगा। लेकिन प्रश्न में ये कहा गया कि समान धनराशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन आपसे पूछेंगे। तो ब्याज आपको पता चल गया कि 5 वर्ष में 600 रुपये ब्याज बनेगा। अब मिश्रधन पता करने के लिए या राशि कितनी हो जाएगी 5 वर्षों बाद, तो आप इनको ऐड करिए। जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2600 रुपये। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। बिल्कुल आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। सबसे पहले करना है कि आपको इसको यहाँ से घटाएंगे तो 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा कितना, इतना। और ये 3 वर्ष का ब्याज है ना, अगर मैं इसमें 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये 1 वर्ष का यानी 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा। ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया। और साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कॉन्स्टेंट होता है।
अगर रेट चेंज ना की जाए तो ब्याज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक वर्ष में इतना ब्याज होगा तो पांच वर्ष में पता करने के लिए इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 600। अब हमसे पूछा कितनी हो जाएगी, तो मूलधन इसमें जोड़ेंगे तो 2600 हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 रुपये उधार लेता है और रमेश 20% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 91,000 रुपये उधार लेता है। इनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्षों में समान हो जाएंगे, आपसे ये पूछा गया। उनके ऋणों के जो मिश्र धन है वो कितने वर्षों में समान हो जाएगा, यानी अगर देखा जाए तो पहले यानी सुरेश के लिए 24% के हिसाब से इस पर जितना ब्याज बना, ब्याज सहित यानी जो मिश्र धन होगा और इस अमाउंट पर 20% के हिसाब से जो मिश्र धन होगा, तो दोनों के मिश्र धन कितने वर्षों बाद समान होंगे, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मिश्र धन बराबर होंगे। तो मिश्र धन बराबर होता क्या है, तो मिश्र धन बराबर अगर मैं लिखूं तो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ये मैं आपको सब कुछ पहले ही बता चुका हूं, होता है कि नहीं होता। अब कि यहां से अगर देखेंगे तो यहां से मूलधन पता है और यहां पे ब्याज लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे ब्याज लिखेंगे, क्लियर है। तो ब्याज हम लोग लिखेंगे। अब यहां से सबसे पहले वाले के लिए देखा जाए, मिश्र धन अगर आप लिखेंगे तो मूलधन तो आप लिखेंगे ही, 80,000 आप यहां पे लिखेंगे, क्लियर है इतना। अब कि टाइम हमसे पूछा है ना, तो टाइम का जो भी टाइम रहता है उसका हम लोग इसमें क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो हमको क्या पता चलता है, ब्याज पता चलता है। तो ब्याज पता चलती नहीं पता चलता है, इसका आप इसमें मल्टीपल करेंगे तो यानी 24TX% होगा। पूरे धन का आपको करना है कि 24% आपको निकालना है। अगर आप इसका 24% निकालेंगे तो आपको एक वर्ष का ब्याज आपको मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये तो मैंने मूलधन लिखा, अब मुझे ब्याज लिखना है। अब मुझे क्या करना है, ब्याज लिखना है। मूलधन मैंने लिख लिया, ब्याज मुझे लिखना है, तभी तो मिश्र धन होगा। अभी कि इसका अगर आप 24% निकालेंगे तो इसके परसेंटेज से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 2 जीरो बचे तो आप यहाँ पे 2 जीरो पहले लिखिए, 2 जीरो मैंने लिख लिया, इतना क्लियर है। अब 24 वाटे कितना होता है, 192 होता है। 24 वाटे कितना होता है, 192। और ये टाइम का क्या करेंगे आप, इसमें मल्टीपल करेंगे, इतना क्लियर है। अब हमसे पूछा आप सेकंड वाले के लिए लिखेंगे, आप सेकंड वाले के लिए लिखेंगे सेम इसके अकॉर्डिंग, दोनों के मिश्र धन बराबर होंगे, हमसे प्रश्न में यही कहा गया है। दोनों के मिश्र धन, अब ये क्या हो गया मेरा, मिश्र धन हो गया। अब इसके लिए मिश्र धन अगर आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप मूलधन लिखेंगे, ये जो 91,000 है इसको आप लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ब्याज आपको लिखना है। तो ब्याज क्या करेंगे आप, एक वर्ष का अगर आप निकालेंगे तो यहां से सबसे पहले अगर आप इसका क्या निकालिए, 20%, इसके परसेंटेज से 1 जीरो ये और 1 जीरो ये कट गया, तो 2 जीरो बचा। आप सबसे पहले 2 जीरो आप लिखिए और ये 91 दोनों कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 182, और ये टी मेरा रहेगा, टाइम हमसे पूछा गया। अब इसके बाद देखिए करना है क्या, आपको टाइम वाला एक साइड करिए और ये अंक वाला आपको एक साइड करना है। अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं और इसको इधर ट्रांसफर कर दूं कि नहीं कर दूं यहां से, तो ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 11,000 हो जाएगा। और ये इधर आएगा तो यहां से बचेगा कितना, आप इसको घटाइए। जब इसको घटाएंगे तो यहां से देखेंगे तो ये कितना, 19,200 और ये 18,200, तो कितना बचेगा, ये 1,000 बचेगा। कितना बचेगा, 1,000 आपका बचेगा, इतना समझ में आया, 1,000 बचेगा। और ये 000 से ये 000 कट जाएगा, तो टी यानी टाइम आपको कितना पता चल गया, 11 वर्ष पता चल गया। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको कुछ कम समझ में आया होगा, तो इस क्वेश्चन को आप रिपीट करके एक बार आप जरूर से देख लीजिए, क्योंकि इस प्रश्न को हम लोग इसके अकॉर्डिंग लगाए हैं। उनके ऋणों के मिश्र धन कितने वर्षों में समान होंगे, आपसे ये पूछे। सबसे पहले मैंने क्या किया, मिश्र धन निकाला। मिश्र धन बराबर होता है कि मूलधन प्लस ब्याज। पहले के लिए मैंने मूलधन कितना दिया कि 80,000, तो मैंने लिख लिया। अब यहां से देखेंगे तो ब्याज कितना बना, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे या इसका 24% निकालेंगे तो आपको ब्याज। अब देखिए टाइम मुझे पूछा, तो टाइम का क्या करते हैं लोग, ब्याज क्या होता है, रेट इंटू टाइम का, तो गुणा ही करते हैं। टाइम मुझे पता है तो टी हम लोग मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अब दूसरे वाले के लिए भी सेम ऐसे ही प्रोसेस करके आप क्या करेंगे, टाइम पता कर लीजिएगा। तो इसका पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। और ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी मूलधन पर 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो समान दर पर कितने वर्ष में प्राप्त ब्याज जो मूलधन के बराबर होगा, आपसे ये पूछा गया है। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट नोट में लिखवा देना चाहता हूँ कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है। अगर ये 40% ब्याज बढ़ रहा है तो कितने वर्षों में बढ़ रहा है, 8 वर्षों में। तो प्रति वर्ष यानी रेट पता करने के इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको रेट पता चल जाएगी कि रेट कितना है। अगर आप क्या करेंगे, ये जो रेट यानी 40% ब्याज बना है कितने वर्षों में बना है, 8 वर्षों में। अगर आप 40 में 8 से डिवाइड कर देंगे तो आपको रेट पता चल जाएगी कि रेट कितना है, 5% है। अब देखिए मूलधन के बराबर यानी जो ब्याज है ये मूलधन, अगर हम लोग मान लें कि माना मूलधन कितना मान लिया जाए, 100 रुपये मान लिया जाए, तो जो ब्याज बनेगा एक वर्ष में अगर देखिए इसके हिसाब से ब्याज बनेगा 5%, 5% का मतलब 5 रुपये ब्याज बनेगा। तो ये मूलधन के बराबर ब्याज बनने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। अगर इसके हिसाब से देखेंगे, इसका 5% निकालेंगे तो एक वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, वन ईयर में कितना ब्याज बनेगा, 1 ईयर का SI कितना ब्याज बनेगा, 5 रुपये ब्याज बनेगा। लेकिन ये चाह रहा है कि जो ब्याज है वो मूलधन के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो इसको 100 रुपये होने में कितना टाइम लगेगा, आपसे ये पूछा गया। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो वो टाइम पता चल जाएगा कि मूलधन के बराबर होने में जो ब्याज है वो कितना टाइम लेगा। तो 100 रुपये में क्या करेंगे, आप इससे डिवाइड करेंगे, जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो टाइम आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ये 20 वर्ष हो जाएगा। बिल्कुल मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान से आसान तरीके से सब बता रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। आपने चेक किया होगा, आपने कहीं अदर यूट्यूब चैनल पर चेक किया होगा, जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। शायद अगर आप पेट कोर्स लेकर के भी पढ़ रहे होंगे तब भी आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा होगा। और यह भी प्रश्न देखेंगे तो NTPC में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अच्छा 2 वर्ष के लिए 6% साधारण ब्याज की दर पर 3000 रुपये उधार लेता है। ये जो अच्छा है 2 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से 3000 रुपये की धनराशि क्या कर रहा है, ये उधार लेता है। और समान राशि को यानी जो राशि उधार लिया, समान राशि को 2 साल के लिए 9% के हिसाब से साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे दिया। अक्षय को 1 साल में कितने रुपए का लाभ हुआ, आपसे ये पूछा गया। इस प्रश्न का मतलब ये है कि ये जो अक्षय नाम का लड़का है या व्यक्ति है, ये 3000 रुपये उधार ले रहा है 2 वर्षों के हिसाब से, 2 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से ले रहा है। जो ये पैसे उधार ले रहा, ये पैसे क्या कर दिया, अपने दोस्त को दे दिया, लेकिन इसने रेट क्या कर दिया, ये बढ़ा दिया। रेट कितना ले लिया, ये कर दिया 9%, और टाइम तो उतना ही है, टाइम क्या है, दोनों में समान है, 9% रेट बढ़ा दिया। तो प्रश्न में ये पूछा कि अक्षय को कितने यानी अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, इसने उधार लिया इस रेट से और ये बढ़ाकर इतना दे दिया, तो कितना इसने बढ़ाया, परसेंटेज में देखेंगे कितना बढ़ा दिया, 3% बढ़ा दिया। 1 साल में 3%, अगले साल में 3%, और 2 साल के लिए दे रहा है ना, तो 2 सालों में कितना बढ़ गया, 6% बढ़ गया। यानी 6% इससे क्या होगा, फायदा होगा। जो अच्छे है इसे कितने परसेंट का फायदा होगा, 6% का फायदा होगा। लेकिन प्रश्न में रुपये में पूछा कि रुपये में कितने रुपये का लाभ हुआ, तो जो मूलधन है इसका आप 6% निकालिए, 3000 का करना कि आपको 6% आपको निकालना है, इसके परसेंटेज से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। परसेंटेज चैप्टर देखिए मैंने आपको बता दिया है, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 होगा तो 2 जीरो से कट जाएंगे। ऐसे काटिए या डायरेक्ट आप काट सकते हैं, जब इनका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18, 180 रुपये का क्या होगा, अच्छे को लाभ होगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ग्रुप डी में पूछा गया और ये 2018 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
कुमार ने आरिफ को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार दी। आरिफ ने वही धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार दे दी। 3 वर्ष बाद आरिफ को प्राप्त ब्याज कितना मिल रहा है? इतना हो रहा है। तो पूछा क्या, कुमार से आरिफ ने कितनी धनराशि उधार ली थी, आपसे ये पूछा गया। क्वेश्चन देखिए बहुत लंबा है, लेकिन इसका सलूशन क्या बहुत ही शॉर्ट में करेंगे हम लोग। ये जो कुमार से आरिफ क्या करा, कुमार ने आरिफ को इतने क्या दिया, इतने परसेंट के हिसाब से कुछ धनराशि ये क्या करा, ये उधार दिया। और जो आरिफ है वो धनराशि जो भी इस उधार ले रहा है उसको क्या कर दिया, किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा है 20% के हिसाब से, लिया उधार इस रेट से और दे रहा इस हिसाब से नरेश को दे रहा। टाइम तो दोनों में सेम है। अब 3 वर्ष के बाद आरिफ को इतने रुपये का क्या हो गया, ब्याज के रूप में मिल रहा। तो उसने कितनी धनराशि, आरिफ ने कितनी धनराशि उधार ली थी, आपसे ये पूछा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देखेंगे तो कुमार को ये कितना ब्याज देगा, कुमार आरिफ जो है कुमार को कितना ब्याज देगा, तो 10% के हिसाब से ले रहा 3 वर्षों के लिए, तो 10 दिन कितना हो जाएगा, ये 3। 10 दिन कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 30 ऐसे लिखे या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ। 30% ब्याज बनेगा। यहां से देखेंगे तो ये 20% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए नरेश को उधार देते, कितना ब्याज बनेगा, 20 तिहाई 60% कितना हो गया, 60%। इस तरह से इसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, आरिफ को कितने, ये तो इसको देगा 30%, लेकिन इसे जब घटाएंगे तो इसे क्या होगा, 30% का प्रॉफिट होगा। ऐसे करिए, या मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं, दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, 30% आपका आ गया है। दूसरा तरीका कैसे है, दूसरा तरीका ये है कि ये ले रहा है उधार, ले रहा है इस रेट से, लेकिन इसने रेट क्या कर दिया, बढ़ाकर दे रहा है किसी और को। तो कितना ये बढ़ा रहा है, आप बताएंगे 10% बढ़ा रहा है। कितने समय के लिए 10% बढ़ा रहा है, 3 वर्ष के लिए बढ़ा रहा है। पहले साल 10%, अगले साल 10%, अगले साल 10%। तो इस तरह से इसे क्या होगा, 10 तिहाई 30% का इसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आरिफ को 30% का प्रॉफिट होगा, यानी ब्याज में कितना मिल रहा है, इसे इतना मिल रहा है। परसेंटेज में देखेंगे तो इसको घटाएंगे 10 आएगा, 10%। तो इस तरह से 3 वर्ष में कितना ब्याज बनेगा, 30%। और 30% यानी ब्याज यानी रुपए में दिया गया इतना, तो कह सकते हैं ये 30% का मान है। तो यहाँ पे देखेंगे 1560 में 30 से डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे। 100 का मल्टीपल क्यों करेंगे, क्योंकि जो भी धनराशि रही होगी वो अपने आप पे 100% रही होगी, इसलिए इसमें 100 का मल्टीपल करें। इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, और ये 3 5 15 3 2 6, जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5200 रुपये आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो डी वाला ऑप्शन इसका मैच कर। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसका सलूशन क्या, बहुत ही आसान लैंग्वेज मैंने आपको बताया। चाहे ऐसे करके लिखिए, चाहे आप ऐसे यहां से घटाएंगे, ये 10% एक्स्ट्रा ले रहा है, कितने समय तक, 3 वर्ष तक। इतना ब्याज क्या मिले, इसे 30% ब्याज एक्स्ट्रा, यानी इसे इसका जो फायदा होगा 30% फायदा होगा। तो इसका मान आपको रुपए में दिया गया, तो 30 में इसमें 30 से डिवाइड करिए और 100 का मल्टीपल कर देंगे तो मूलधन आपको पता चल जाएगा। तो अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, P1, P2 और P3 को क्रमशः 4%, 6%, 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। यानी ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये क्या है, बराबर है। यदि तीनों निवेशित राशियों का योग, यानी P1, P2 और P3 का योग आपको दिया गया, निवेशित राशियों का योग 2600 रुपये, तो P1, P2 का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। देखिए सबसे पहले देखिए साधारण ब्याज क्या है, समान है, तीनों के जो अलग अलग ये जो है ये राशियां अलग अलग है, लेकिन इस रेट से और वर्ष के अंत में जो ब्याज बन रहा है वो सभी के ब्याज बराबर है। अगर सभी के ब्याज बराबर है तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर फार्मूला क्या होता है, PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे कपड़े कितना होता है, 100 होता है। पहले यानी P1 के लिए अलग मान ले तो पहले वाले के जो ब्याज बनेगा ये हो जाएगा, इसको 1:1 से इंडिकेट करेंगे। इस तरह से आप आगे लिखेंगे SI2 वाले के लिए लिखेंगे तो P2, R2 और ये T3 लिखेंगे, बट्टे कितना हो जाएगा, 100। इस तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट यानी थर्ड वाले के लिए लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। आप
देखिए मुझे पता है कि जब साधारण ब्याज सभी के साधारण ब्याज क्या है बराबर, अगर सभी के साधारण ब्याज बराबर है तो ये वाले हिस्से क्या होंगे सभी के बराबर होंगे, तो हम लोग लिखेंगे। और देखिए 100 इसमें भी रहेगा तो 100 लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट ये ऊपर वाला लिखेंगे, तो ऊपर वाला हम लोग डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। तो यहां से देखेंगे मूलधन आपको दिया गया P1 है, P1, और टाइम देखेंगे तो टाइम क्या वर्ष के अंत में, टाइम क्या एक वर्ष है, तो टाइम आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप यहां पे लिखेंगे 4% बराबर। P2 रेट कितना दी गई 6% और बराबर। P3 कितना दी P3 और ये कितना है 8% है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, देखिए सभी में परसेंटेज दिख रही कि नहीं दिख रही, तो परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाए कट जाए। अब इनके अलावा भी देखेंगे तो ये सब कट रहे हैं 2 से, तो 2 से काटिए कितनी बार में कटेगा ये 2 बार में, 2 से काटूंगा तो 3 बार में कटेगा, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8 हो गया, इतना क्लियर है। अब मुझे यहां से P1 P2 का मान आपको मुझे निकालना है, पीछे मैं आपको बता चुका हूं। फिलहाल इस तरह का एक प्रश्न और भी मैंने आपको सॉल्व कराया था कि P1 P2 का मान आप कैसे निकालेंगे। वैसे यहां पे है कितना 2P1 है, यहां पे 3P2 है और यहां पे 4P3 है। तो यहां से अगर आप P1 P2 का मान निकालेंगे तो पीछे मैं आपको बता चुका हूं, अगर डिटेल में सीखना है तो रेशियो वाला चैप्टर आप जरूर से पढ़ लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दी, क्योंकि यहां पे मैं आपको शॉर्ट में करके दिखा रहा हूं। अब देखिए मुझे इसके स्थान पे लिखना है ना, तो इसका जो 2 है इसको ढक लीजिए, बाकी इन दोनों अंकों का आप मल्टीपल करके लिखिए, तो 4×3 कितना हो जाएगा ये 12, 4×3 कितना हो जाएगा 12। अब देखिए मुझे इसके स्थान पे लिखना है ना, तो इसका ये ढक लीजिए और इन दोनों का गुणा करके लिखिए कितना हो जाएगा ये 8 हो गया। अब इसके स्थान पे लिखना है तो इसका ढक लीजिए इन दोनों का गुणा करके लिखिए कितना आ जाएगा ये 6। अब ये देखिए किसी एक संख्या से कट रहे हैं क्या, आप कहें कि हाँ सर कट रहे हैं, तो इनको काट दीजिए, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, इतना क्लियर है। ये किसका रेशियो आ गया आपको, P1 P2 P3 का आ गया, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, आप यहाँ पे लिख सकते हैं P1 P2 और ये P3 का रेशियो आ गया। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं तो मैंने इसको साइड में लिख लिया, क्लियर है। अब देखिए जो ये राशियाँ हैं, अब इनका योग कितना दिया गया 2600 दिया गया। अगर आप रेशियो में योग करेंगे तो कितना मिलेगा 6 × 4 = 10 × 3 = 13। इस योग से इसमें आपको डिवाइड करना है, अगर आप रेशियो में योग करेंगे तो कितना मिलेगा 6 × 4 = 10 × 3 = 13। तो 13 से इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी 200 बार जाएगी। अब देखिए पूछा क्या, P1 P2 का मान पूछा है ना, P1 P2 P3 का मान पूछा है, तो इसका ला के इसमें गुणा कर देंगे तो P1 का मान पता चल जाएगा, 6 × 2 कितना हो गया 1200, 6 × 2 = 1200 और इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 600। तो देखिए शुरू में 1200 और लास्ट में 600 इसमें दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा, और ये वाला कितना हो जाएगा ये 800 रुपये हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो आप बता सकते हैं कि P1 P2 का P3 का मान कितना हो जाएगा 1200 800 600 होगा, तो ये D वाला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में करने की कोशिश की, क्लियर है। इस क्वेश्चन को एक बार अपने से लगाइएगा, एक बार क्या करना आपको सेल्फ लगाना है ताकि ये वाला टाइप जो है या ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाए। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा हो गई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं अभी देखिए जो किस्त वाला सवाल है वो बाकी है, उसको मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। कल हो सके तो जो मेरी वीडियो आएगी वो किस्त वाले ही टॉपिक पर आएगी, पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, जितने भी उसमें वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सभी बताऊंगा किस्त वाले।